नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। एस्ट्रोमित्रम में आपका सादर स्वागत है। मैं डॉक्टर हेमचंद्र पांडे, संपादक जीवन वैभव, आपको आज का भविष्यफल बताता हूँ। आज दिनांक 25 नवंबर 2018। आज के पंचांग की स्थिति निम्नानुसार है। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वितीया सवेरे 6:28 तक, बाद में तृतीया रहेगी। मृगशीर्ष नक्षत्र दिन में 1:25 तक, बाद में आर्द्र नक्षत्र रहेगा। साध्य नाम का योग रात्रि में 11:33 तक, बाद में शुभ नाम योग रहेगा। गर्करण प्रातः 6:37 तक रहेगा, बाद में बवकरण रहेगा। ग्रहों की स्थिति निम्नानुसार है। चंद्रमा मिथुन राशि का रहेगा और सूर्य बुध गुरु वृश्चिक राशि के, शुक्र तुला राशि में रहेगा, शनि धनु राशि में, मंगल कुंभ राशि में, राहु कर्क राशि में और केतु मकर राशि में रहेगा। आज भद्रा सायं 5:21 से रात्रि में 4:06 तक रहेगी। आज का राशिवार भविष्य बताते हैं। राशिवार क्रम से मेष राशि का भविष्य सुने। आज आपका दिन उत्तम रहेगा, सहयोगियों का उत्तम सहयोग मिलेगा, आपकी पराक्रम वृद्धि होगी। स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना चाहिए और कोई अपच या उदर विकार की संभावना रह सकती है। और आज के दिन का शुभ फल की वृद्धि के लिए आपको पीला फल का दान करना चाहिए और इष्ट देवता को पीले फल की माला अर्पित करना चाहिए, शुभ फल की वृद्धि होगी। वृषभ राशि, धन और परिवार का सुख आपका आज उत्तम रहेगा। विरोधी बढ़ेंगे लेकिन नुकसान नहीं कर सकेंगे, विशेष करके सामाजिक प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। और सफ़ेद पुष्प इष्ट देवता को अर्पण करना चाहिए, आज का दिन का शुभ फल आपको मिल सकेगा। मिथुन राशि, अपने पारिवारिक जीवन में आपकी व्यस्तता रहेगी, संतान के द्वारा कार्य में सफलता मिलेगी, पार्टनरशिप के कार्यों में भी सावधानी रखें ताकि किसी प्रकार का अनावश्यक अनबन न हो। विशेष करके ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि साझेदारी के काम में लेखा संबंधी कार्य का विशेष रूप से सावधानी रखें। आज शुभ फल की प्राप्ति के लिए गणेश की पूजन करना चाहिए। कर्क राशि, आपको आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा, किसी अनावश्यक विवाद से समय नष्ट हो सकता है, तो विशेष करके आपको आज शांति रखना चाहिए, विवाद से दूर रहना चाहिए और भगवान शिव जी को का अभिषेक और सफ़ेद अन्न का दान देने से अनावश्यक विवाद और तनाव में कमी आएगी। सिंह राशि, आज आपकी प्रतिष्ठा वृद्धि का दिन है, तो इसलिए आपको बहुत प्रसन्न मन से रहना चाहिए क्योंकि आपके किए गए कार्यों की प्रशंसा होगी, आपका समाज में अस्तित्व बढ़ेगा और व्यर्थ के तनाव से आपको दूर रहने के योग हैं। पत्नी का स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा, खाद्य पदार्थ के सेवन से उदर विकार रह सकता है, इसलिए कोई भी भारी खाद्यान्न का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और प्रातःकालीन उदय होते हुए सूर्य के दर्शन करना आपको लाभप्रद रहेगा। कन्या राशि, राजकीय कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, वरिष्ठ जन की प्रसन्नता आप पर रहेगी, उनके आशीर्वाद से आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। अपने स्थायित्व की योजना जो आप विगत दिनों से सोच रहे थे, अब योजना की को मूर्त रूप देने का आज का उत्तम दिवस है, इसलिए आप विचार करके मूर्त रूप दे दीजिए और भगवान विष्णु के मंदिर में दर्शन और पूजन करना आपको आज के दिन के शुभ फल की वृद्धि करेगा। तुला राशि, अपनी योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए
किए गए प्रयास आपके सफल होंगे। भ्रमण लाभप्रद रहेगा। अनावश्यक भ्रमण से ध्यान रखें और पारिवारिक सुख तथा धन प्राप्ति के विशेष योग इस सप्ताह इस दिन मिलने के बन रहे हैं। वृश्चिक राशि, अपनी आवश्यकताओं की सीमित रखने से आपको संतोष प्राप्त होगा। आपको अधिक आवश्यकताएं को न बढ़ाएं, विशेष करके सीमित आवश्यकताएं रखें। स्वभाव से शांत रहें और अपनी वाणी को संयत रखें। कुछ ग्रह योग ऐसे हैं जिनमें आपको उग्रता आ सकती है, तो वाणी को संयत रखें। बनते हुए कार्य में रुकावट न आए इसलिए ध्यान रखें। और हनुमान मंदिर पर दीपक लगाने से आपके शुभ कार्य में वृद्धि हो सकती है। धनु राशि, आज का दिन अधिक खर्च वाला है। अपने खर्च पर का नियंत्रण रखें। धनु राशि में खर्च का नियंत्रण रखें, अनावश्यक यात्रा को टालें और विशेष करके ये ध्यान रखें कि आपके लक्ष्य की पूर्ति में अनावश्यक समय व्यतीत अन्य कार्यों में व्यतीत तो नहीं हो रहा है। अगर इस पर ध्यान दिया तो लक्ष्य पूर्ति में सफलता मिलेगी और इसके शुभ फल वृद्धि के लिए आपको पीपल को जल चढ़ाना चाहिए। मकर राशि, अपने किए गए कार्यों से आपकी संतुष्टि रहेगी। आप सफलतापूर्वक जो कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी और यश और प्रतिष्ठा आपको उत्तम मिलेगी। सामाजिक और पारिवारिक दोनों दृष्टि से आपका आज का दिन शुभ है। पारिवारिक कार्यों में हालांकि खर्च की वृद्धि होगी, परंतु वह खर्च भी आपके लिए आवश्यकता प्रधान रहेगा, इस कारण से उसकी चिंता न करें। और विशेष करके शनि मंदिर पर अपना छाया दान करना उत्तम रहेगा कि आप की कटोरी में तेल लेकर के उसमें सिक्का डाल के अपने चेहरे को देख लें और शनि मंदिर पर दान कर दें, तो इससे आपके तनाव की कमी होगी। कुंभ राशि, आज कुछ नए कार्यों की रूपरेखा भी बनने के उचित योग हैं, तो उस रूपरेखा में आप विशेष करके ध्यान दें। आर्थिक दृष्टि से उसमें कितना लाभ रहेगा, उस लाभ को देखते हुए ही नया कार्य करें ताकि आपका अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रहे। पुरानी योजनाएं मूर्त रूप ले लेगी, पुरानी योजनाओं में सफलता प्राप्त होगी। किसी विशेष कार्य में सफलता होने से आपका मन संतुष्ट रहेगा। शनि मंदिर पर दीप दान करना आपको शुभ फलदायक रहेगा। मीन राशि, अपने मन से संतुष्टि रहेगी, सोचे गए कार्यों में सफलता मिलेगी। विशेष करके ऐसे कार्य जिन कार्यों में आपका अपने समाज से संबंध हो, तो उस कार्य में विशेष ध्यान दे करके कार्य करें। विशेष करके अपनी आजीविका से संबंधित कार्य में कोई बाधा नहीं रहेगी, आपका उत्तम कार्य रहेगा और उस कार्य की सराहना भी होगी। धन लाभ समय पे होगा और भ्रमण को यथासंभव हो सके तो टालें ताकि अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण हो सके। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रोमित्रम, एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।